कृषि दर्शन देखैया सबो संगवारी हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, हमर छत्तीसगढ़ के बात करन तो गजब अकन देवी देवता के बसेरा है, नदिया नरवा है और यहाँ के वीर बलिदानी मन के गजब महान किस्सा है। संगवारी हो, तभे तो कथे हमर छत्तीसगढ़ के माटी के महिमा बड़ महान है। वीर नारायण जन्म लिस, साहस के पहचान है, अरपा पैरी के धार बोहाथे, इंद्रावती बलिदान है और महानदी कस पावन भुइयाँ देवभूमि के समान है हमर छत्तीसगढ़ ला, ऐसे माने जाते। संगवारी हो, पंचकोसी धाम है, राजिम के नगरी है और यहाँ के भुइयाँ में काम बूता करैया महान किसान है। किसान के ये प्रदेश छत्तीसगढ़, जिहाँ के परंपरा के व्यवसाय हरे खेती किसानी। तो संगवारी हो, हरे हमार कार्यक्रम तक हो रे खेती किसानी के, ऐसने आज आप मन बर सुघर अकन जानकारी बनाए बर हमन पहुँचे हन गांव सिमगा और यहाँ के मयारू किसान मन गजब अकन रकबा में साग भाजी खेती करत है और आज हमन चर्चा करबो कि बरबट्टी के खेती उन्नत तरीका से कैसे करते किसान मन, वो संबंध में चर्चा करबो। किसान से मैं मिले ले जावत हूँ संगवारी हो, तब तक आप मन देखा कुछ खास संदेश। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश को पिछले 3 वर्षों से कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है चावल के ऊपर में, लेकिन इस वर्ष भी हमें खुशी है कि छत्तीसगढ़ को दलहन तिलहन के ऊपर में कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आज की आवश्यकता हम देखते हैं कि दलहन तिलहन की मांग आम जनता में बहुत ज़्यादा है और उसमें छत्तीसगढ़ सरकार ने बहुत काम किया है किसानों के लिए और उससे दलहन तिलहन के उत्पादन के ऊपर में छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है और भविष्य में भी किसान के मार्फत इस प्रदेश की उन्नति होता रहे, कृषि की उन्नति होता रहे, उसके लिए हम लोग सम्मिलित होकर के प्रयास करते रहेंगे। हमें जो कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो हमारे लिए प्रेरणादायक है और हम आगे भविष्य में भी किसानों के साथ मिल करके इस कृषि के काम को अच्छे से आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि हम जनता के लिए काम कर सकें और इस प्रकार के पुरस्कार से हमें जो प्रेरणा मिलती है उससे हम लोगों को फायदा दिला सकें। आवाज संगवारी हो, हमर तीर अभी खड़े है विष्णु सोनकर, ओकर से पूछथन, वो युवा कृषक हरे और अपन खेती किसानी के बूता में अमा है और 4 पैसा कमावत है, तो कर से पूछथन संगवारी हो कि बरबट्टी खेती वो कैसे करत है। विष्णु भैया राम राम। राम राम। विष्णु भैया ये बतातेस कि जैसे तोर खेत में अभी खड़े हन ते में बरबट्टी लगाए हस, तो तोर मन में इसे कैसे विचार है इसकी बरबट्टीज के खेती करो ऐसे की के? अब हर साल इनके अंत्यंत फसल लेना अच्छा ही थे तो ये साल बरबट्टी फसल लेना की के साल बरबट्टी हुआ। अच्छा, तो मन में इसे विचार आते कि हर बच्चर कुछ न कुछ फसल लेते रहना चाहिए, है ना, फसल चक्र अपनाता हो आप मन है। अब ये बताते जिसे बरबट्टी का आप मन खेती शुरू करे हो तो पहली तो ये बात के ध्यान दे हो कि कौन सा प्रकार के माटी में बरबट्टी होते, तो कैसे प्रकार के माटी होना चाहिए? माटी तो कन्हार माटी होना चाहिए और इसे खतवाहार टाइप की माटी होना चाहिए, भूर भूरा। बरबट्टी पर माटी के चयन के बाद विष्णु भी अब बात आते माटी के तैयारी, तो माटी के जोताई एकर कैसे होना चाहिए? जोताई तो 2 से 3 बार अच्छा से जोताई होना चाहिए और ओकर बाद खाद डालना चाहिए, गोबर खाद। खाद डालने के बाद ऐसी मानदंडा बना के बरबट्टी एका खाद की दूरी में बोना चाहिए। पहली घाव जिसे अपन कोनो चीज ला बोवत हन, फसल ला बोवत हन या लगातार कोनो भी फसल ला बोते छन हमार माटी में, तो माटी के जो शक्ति है इसे माने जाते कमती हो गए है, तो ये बताते वैज्ञानिक मन है कि माटी के जांच करा ले, मृदा परीक्षण करा ले, इसे कथे आप मन ये बात ला सुरता करके कुछ प्रयोग करे हो? ऐसे तो हम कोई इससे प्रयास नहीं कर रहे हमन, लेकिन फसल अंत अंत लेवे ना तो फसल ही अच्छा होते, एक ही फसल में ना जमीन में यानी कि कीटाणु ज्यादा आ जाते, तो ओकर हिसाब से फसल अंत अंत लेना चाहिए हर समय। हर समय। हाँ। और माटी के जांच कराना है ये बात ला जानते हो नहीं आप? हाँ जानता, लेकिन जांच ऐसे करावन नहीं हम ना, खाद हर 4 महीना के 4 महीना खाद एक ट्राली डालता। अच्छा, तो माटी के जांच आप नहीं कराए हो, गोबर खाद ज्यादा डालते हो आप मन है। बरबट्टी की जिसे बात हमन करत हन विष्णु भैया, तो मादा कतका दूरी हम बनाए हो और ओकर बोए के तरीका बीजल बोता हो कि नर्सरी लगाता हो? बोए के बीजा यानी कि हम खुद दुकान से लेके आता और मादा के चौड़ाई ऐसे यानी कि 2 हाथ रहते और इसे थौना में रही है एक हाथ के ही दूरी में रहते। अच्छा, ये अपन हिसाब से आप मन है
मॉडल बनाए हो, आप मन के हो कि दुकान से बीजा नान था वैसे की के तो कई ठन बीजा वहाँ अच्छा रीथे कि नहीं रहा है, प्रमाणिक रीथे कि नहीं रहा है, प्रमाणिक बीज लाता हो कि नहीं लाओ, और लाए के बाद वो बीज उपचार तको करते आप मन ला मालूम है बीज उपचार आप मन करता हो कि सोझे बढ़िया कन उन्नत किस्म के नान था? नहीं बीज उपचार तो नहीं करन, लेकिन अच्छे ही बीजा नान की जानकारी वाला बीजा दो चार किसान से पूछ के अच्छा बीजा लेके ही हम बोथान। अच्छा हाँ। तो अभी कौन सा किस्म के बरबट्टी लगाए हो? अभी अंकुर गोमती की बरबट्टी गर्मी में चलते सफेद बरबट्टी, वो पीलापन नहीं हुआ, बढ़िया फल फूल भी देते और गर्मी धूप में टिकते। अच्छा, मतलब अंकुर प्रजाति के जो बरबट्टी थे अच्छा मजबूत माने गए है ना, अच्छा सहते वो। अच्छा ये बता दे, जिसे तू ते कहा था कि गोबर खाद अमन मिला था ना इसे की के, तो जमीन के तैयारी के बेरा और बाद में दोनों बेर कतका अकन हमला गोबर खाद के जरूरत पड़त हो? जैसे कि आधा एकड़ जमीन है, एक ट्राली खातू बगरा देवे तो अच्छा है, और एक एक एकड़ होकर दो दो ट्राली ही डालना अच्छा है। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डालो तो अच्छा है, खराब है ना कि गोबर खाद नहीं करे। तो बहुत से किसान मन का करते रासायनिक खाद डालते, ते गोबर खाद को ज़्यादा मतलब बतावत हस बात ला, तो का फायदा होते गोबर खाद ला ज़्यादा डाले से जमीन के लिए, हमार शरीर पर, बरबट्टी पर या दूसर फसल पर, का महत्व है ओकर? ओकर महत्व है कि कम यानी कि बीमारी भी कम आते और फसल अच्छा उपजते और रासायनिक खाद कम लगते, हरा भरा यानी कि पूरा यानी कि फल फूल के लगातार रह रहते। आप मन कहा था गोबर खाद मिलाना चाहिए, लेकिन विष्णु भैया यू मन बात आते कि गोबर खाद मिल ही कहाँ हमल, आजकल तो गाय गरु पालना कम हो गए, बहुत कमती दिखते गाँव में, तो एक व्यवस्था कैसे करे किसान मन है? तू मन कैसे व्यवस्था करता हो, कोनो में ले सकेल था ले था जिसे दूसर किसान करिए तो कैसे करे? अब हमन हमारे मन बस गाय गाय गरो नहीं है तो हमन भी खरीद के नान था। विष्णु भैया ये बताते जिसे एकर लागत जिसे तुमन बरबट्टी लगाए हो तो कतका लागत से एकर खेती शुरू करे जा सकत है? बरबट्टी खेती में इसे ज़्यादा लागत नहीं लगा, मात्र बीजा ले पड़ते यानी बुआई कर दे, दवा पानी ही ज़्यादा पैसा ही लेते, यानी दवा पानी ज़्यादा ही पैसा खा देते। बरबट्टी बीजा का है थोड़ा सस्ता मिल जाते तो कल ज़्यादा ऐसे है नहीं लगा, लागत कम लागत से हो जाते हैं, लेकिन दवाई पानी अधिक ज़्यादा लगते। अच्छा, तो आप मान ला दवाई पानी भी खर्चा लगते, बोए खर्चा सब चीज़ खर्चा है, तो लगते आप ला कि बरबट्टी खेती से आप ला फायदा होते, अच्छा व्यवसाय है? हाँ फायदा हो अगर होते, लेकिन वही सबसे ज़्यादा दवाई है यानी कि लेबे तेमें ज़्यादा खा देते हैं, हर यानी कि हर तरफ से यानी कि सब कुतिल खर्चा यानी कि रहे रहते, दवाई डालना है, खातू लेना है, तो मैं यानी कि लागत पैसा नहीं दिखा। अच्छा, तो विष्णु भैया लेकिन कुछ न कुछ व्यवसाय तो हमला करेल पड़ी, नफा नुकसान ला बाद में सोचबो, लेकिन हमार व्यवसाय तो खेती बाड़ी अच्छा बात है रे, आप मन बरबट्टी खेती करत हो अच्छा से अच्छा आप ला फायदा हो ही, आप मन हमार से गोट बात करे तेकर बार धन्यवाद, राम राम। संगवारी हो, बरबट्टी खेती यदि आप मन है थोक बहुत में भी करत हो तो बहुत से किसान मन है ये खेती ला कर सकत है। विष्णु भैया बार बार जोर देवतरी से अपन बात में आप मन सुने हो देखे हो कि गोबर खाद के ज़्यादा महत्व है, ऐसे कही से माटी बर, मनखे बर और फसल बर, सबो चीज़ बर गोबर के खाद है बड़ा महत्व के काम करते। तो संगवारी हो, बेरा हो गए आप मन बर कुछ तकनीकी बात बताए के, तो लेवो देखो कुछ खास संदेश आओ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं, मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाए और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नील लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी, अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है,
मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कार को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। मेरे साथ बोलो ए, ए बी, बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ए सी ए बी सी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान, किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशु पालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आवाज संगवारी हो, अब हमर तीर बरबट्टी के खेती करैया औ युवा संगवारी हमर तीर खड़े है, जेकर नाम है सुघर गोपाल सोनकर जी। ओकर से पूछथन कि बरबट्टी खेती पर औ का बात के हमला ध्यान देल पड़ी। गोपाल भाई राम राम। राम राम है। गोपाल भाई ये बताते, जिसे बरबट्टी खेती हमन शुरू कर डरें बो डरें, ओकर बाद पानी के प्रबंधन बड़ जरूरी होते है ना, तो पानी में कतेक लाख थे, कतेक दिन में हम पानी पलोबो? पानी करीबन ठंड के मौसम में खत्म लगते है, वो गर्मी में 4 दिन के 4 दिन लगते के मतलब पानी। हाँ, गर्मी में 4 दिन में 4 दिन, ठंड में 1 हफ्ता में। तब बरबट्टी के बुआई के विशेष मौसम कौन सा अच्छा मानबो हम? गर्मी के बुआई के विशेष मौसम है जैसे बरसात है, गर्मी है, यही में अच्छा होते दोनों में। हाँ, मतलब दोनों मौसम में ले जा सकते, पानी के थोक बहुत ज्यादा कमती लगी। अच्छा ये बता दे, पानी की बात हो गए, अपन हिसाब से हमन मादा बनाए हैं, तब बन कचरा तको आ जाते आजू बाजू, तो खेत के कोड़ाई और खेत के सफाई और निंदाई ये जरूरी है ही नहीं, कतेक दिन में करबो? महीना के अंतर्गत में, एक एक महीना के अंतर्गत में लगते। हाँ, कोड़ाई निंदाई एक एक महीना के अंतर्गत लगते। हाँ गोपाल भाई ये बताते कि निंदाई कोड़ाई काबर जरूरी है हमारे खेत पर? निंदाई कोड़ाई ऐसे जरूरी कि जगह साफ सफाई रखबो, फसल अच्छा रही, स्वस्थ रही और अच्छा पैदावार हुई, और खरपतवार रही तो खरपतवार की वजह से फसल पैदावार नहीं हो पावे और पूरा मतलब कीड़ा मकोड़ा मन खा देते फसल। खाद के प्रबंधन हमन जमीन के तैयारी बेरा भी विष्णु भैया बतावा, इसके गोबर खाद ज्यादा मिलाना चाहिए,
बाद में पौधा बढ़त जाते तब हमला का खाद देबो? एमा देथन यूरिया और दानेदार झाइम खातु और पोटास डीएपी इतना डालथन। अच्छा हाँ, कतेक कतेक दिन के अंतराल में डालथा? एला महीना महीना के अंतराल में डाल देथन, महीना डेढ़ महीना के अंतराल में डाल देथन। अच्छा हाँ, और या फसल में इसे 8-10 दिन के अंतर्गत या 15 दिन के अंतर्गत में इसे छींट भी देथन और खातु ला। हाँ जैसे कोड़ाई वड़ाई करे के बाद खाद देख बाद महीना महीना दिन तक कुछ खातु नहीं धन, ओकर बाद महीना दिन होते तन फिर खातु डाल छींट देथन, मतलब पहाटा छींट देथन। हाँ तो अपन मन से और छींट देते एक घाव है ना। अब ये बताते जिसे पहली घाव तोड़े के पहली हमला कुछ बरबट्टी में समस्या भी दिखत हो, ही रोग राई है, बीमारी है, कई बार देखते बरबट्टी बाजार में कि कढ़ा कढ़हरी थे तो वो कुछ बीमारी कारण होवत हो ही, तो का बीमारी और समस्या आते बरबट्टी में? बरबट्टी में ही कढ़ा होते फला और मोजक बहुत आते पत्ता में। हाँ तो करकढ़ा के लिए वही कोरोजन दवाई डालथन, और जैसे पत्ता में मोजक आते वो सफल नाम के कार्बेंडाजाइम ये दवाई डालथन। गोपाल भाई अब ये बताते जिसे एकर जो समस्या के निदान आप मन करता उकर बाद पहली घाव जिसे बरबट्टी तोड़ना है तो कतका लंबा हो जाते बरबट्टी है या कतका इसे नाप जोक के हिसाब से कि जान डर था कि अब बाजार में लेगे क्लिक हो गए अतका दिन हो गए बोए के बाद तब पहली घाव तोड़ाई होना चाहिए? अब जैसे खड़ा फसल मन 2 महीना का समय लग जाते, 2 महीना के बाद आते तो मन निगरानी रख रही थन कि फल तोड़े के लायक हो गए कि नहीं। शुरुआती दौर में मतलब जल्दी ही तोड़ देता एक 2-4 दिन के अंतर्गत में, फिर ओला 2 दिन के 2 दिन आड़ में फिर तोड़थन ओला। अच्छा हाँ तो पहली घाव जिसे तोड़ना है बरबट्टी ला तो 2 महीना मान के चल, ओकर बाद 2 दिन और 4 दिन और 1 दिन के अंतराल में तोड़ सकत है। तो गोपाल भाई ये तो इसने करत 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 कतेक दिन तक बरबट्टी फसल ले बो हमन? ज्यादा ज्यादा अब तैयार होते में 2 महीना लगते है, और ऐसे खाद मतलब खाद में 1 महीना तक भी साथ देते, 1.5 महीना तक तन फिर झड़ जाते। अच्छा हाँ मतलब 2 महीना तैयार होते लगते और 1 महीना 1.5 महीना कम से कम और फसल ले सकत हैं, 3 महीना फसल मान सकत हैं। अच्छा गोपाल भाई आप ये बताते तोड़े के बाद मुख्य बात जब आते बाजार के, बाजार के व्यवस्था के, तो यहाँ बाजार में का तोड़े के बाद तुरते तीर तखार के बाजार में ले के बेचना जरूरी है? वो अच्छा बात है कि कोनो में घमन घर में बाजार दूरिया है तो अपन घर में रख सकथन, तो कैसे रखबो घर में? ये ला तो हमन इसे तुरंत ही तोड़ के तुरंत लेके जाथन ला, मतलब रखन नहीं और वही रायपुरे तरफ जाथन बेचे ला। अच्छा हाँ जैसे भनपुरी बाजार, खमतराई, बंजारी यहीं जाथन, बिरगांव। हाँ अच्छा हमन तुरंत ले जाथन तोड़ के तुरंत, यानी कि सवेरे से भीड़ था 1:30-2 बजे तक मार्केट। अच्छा हाँ तो 2-3 घंटा अपन यहाँ रखा रहे थे बाजार के जावत जावत ला तैयार होत ला 2-3 घंटा लग जाते। अच्छा उतका देर हमन कुछ गीला करके बोरा में या इसे कैरेट में इसे कुछ नमी रखबो, इसे कुछ रख रखाओ? जरूरी ना वो कल ये गीला नमी छायम रखथन। हाँ पानी वानी डाल के रखथन कि खराब मत हो फल ऐसे करके। हाँ वाला छायम रखथन साफ सफाई से। हाँ बांध बांध के लेखथन पर टुकना उकना मन में। हाँ गोपाल भाई जतका लागत से आप मैंने खेती शुरू करता हो 1 महीना तक पूरा लगातार तोड़ाई होते, 2 महीना के बाद तोड़ाई शुरू हो जाते इसे कहे हो, तो जतका लागत निकल जाते पूरा खर्चे में? अब जैसे मान के चल 10% मान के चले में लागत लग गए कमा थन, मान के चल 10% लग गए और 10% जैसे वो वसूल भी लेन मेहनत करके, तो मैं मान के चल 5% तो यही में चले जाते। हाँ दवा खाद बीज दवाई अलग से मजदूर लाभ उमा लग जाते, तो आधा कुछ एमा मिल जाते आधा एकरे लागत में आ जाते। हाँ लेकिन हमर बार एक ठन व्यवसाय खुद के व्यवसाय है रे, काकरो नौकरी करे से अच्छा खेती किसानी अच्छा बहुत है ना। व्यवसाय हमारा मन ही पूरा परिवार भिड़े थन और कुछ का मतलब खेती बाड़ी छोड़ मल अन्य काम नहीं अच्छा लगा है। यही काम लग करते ना मन। हाँ तो गोपाल भैया आप मन अच्छा सुग्घर एकर खेती करत हो और बढ़िया लाभ लेवत हो, हमर से गोड बात करे हो आप मन एकर बार आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार। संगवारी हो थोक बहुत तो नफा नुकसान ला सहे ला पड़ते, या नौकरी करबे तब कोनो व्यवसाय करबे तब
या खुद के खेती बाड़ी करबे तब सबो में नफा नुकसान के बातें रिथे संगवारी हो, लेकिन वो बात ला मन में धरबे नहीं तो कुछ नहीं कर सकबे। भाई हमार रोजी रोजगार तो करे ला पड़ी, पेट के खातिर, लोग लैका के खातिर, पढ़ाई लिखाई बर, घर चलाए बर, परिवार चलाए बर कुछ न कुछ व्यवसाय तो करे पड़ी। यदि हमन किसान हरन तो हमार मुख्य व्यवसाय तो खेती किसानी हरे संगवारी हो। तो आज हमार चर्चा रही से बरबट्टी के उन्नत खेती के, गोपाल भैया और विष्णु भैया मन बताई से संगवारी हो। तो बेरा हो गए है काम बूता के बाद जब घर में आबे टीवी देखत रहीबे, कृषि दर्शन देखत रहीबे, चाय पानी पियत रहीबे तो बढ़िया अकन गीत संगीत चलते तब मजा आते संगवारी हो। तो लेवा सुनाओ बढ़िया रकम ले एक ठन खास गीत। फूल गजरा तोर खोपा मा लगाबे, ले 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 फूल गजरा तोर खोपा मा लगाबे। मोर सही फूलवा हो, मोर सही फूलवा बेचैया नहीं तो पावे, ले 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 फूल गजरा तोर खोपा मा लगाबे, ले 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 फूल गजरा तोर खोपा मा लगाबे। केकती केवरा के लगा ले बेनी डोर, केकती केवरा के लगा ले बेनी डोर। तोरियावत चले आही, तोरियावत चले आही, माया रुधनी तोर वो ले 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 फूल गजरा तोर खोपा मा लगावे, ले 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 फूल गजरा तोर खोपा मा लगावे। चंपा चमेली के माला गुथाय, चंपा चमेली के माला गुथाय। रात रानी ला लगा ले, रात रानी ला लगा ले, तोर जीवरा मन हाय वो ले 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 फूल गजरा तोर खोपा मा लगाबे, ले 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 फूल गजरा तोर खोपा मा लगाबे। मोगरा के कर धन गोना के कंगना हो, मोगरा के कर धन गोना के कंगना। कभू छूटे झन सुंदरी, कभू छूटे झन सुंदरी, माया के बंधना वो ले 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 फूल गजरा तोर खोपा मा लगावे, ले 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 फूल गजरा तोर खोपा मा लगावे। मोर सही फूलवा ओ, 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 मोर सही फूलवा बेचैया नहीं तो पावे, ले 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 फूल गजरा तोर खोपा मा लगावे, ले 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 फूल गजरा तोर खोपा मा लगावे, ले 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 फूल गजरा तोर खोपा मा लगावे, ले 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 फूल गजरा तोर खोपा मा लगावे, ले 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 फूल गजरा तोर खोपा मा लगावे। तो संगी हो
कैसे लगी हमार आज के कार्यक्रम बरबट्टी के उन्नत खेती के और कैसे लगी हमार गीत संगीत हमार छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति। संगी हो, लोक संस्कृति ऊपर देश के बुनियाद टिके होते और खेती किसानी के ऊपर हमार आर्थिक स्रोत के आधार टिके होते जेकर से हमार परिवार चलते। तभी तो हमार छत्तीसगढ़ प्रदेश ला कृषि प्रधान देश कहे जाते। खेती किसानी यहाँ के परम्परा के व्यवसाय हरे। संगवारी हो, अच्छा लागी सो ही हमारे कार्यक्रम, तो आप मन पत्र जरूर लिखे करो, मन के बात ला कहे करो कि कैसे लागते हमारे कार्यक्रम और का होना चाहिए, का हम सुधार और कर सकथन और का विषय में चर्चा आप मन ला करा सकथन दिखा सकथन, ये विषय में आप मन बताए करो चिट्ठी पाती लिख के। हमारे पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़ 4920007 रायपुर। और संगवारी हो, ईमेल करके तको हमार कार्यक्रम कैसे लागते आप मन बताऊँ। हमार पता है ईमेल के प्रोग्राम ddkraipur@yahoo.com ए पता में ईमेल करो। और अवैया बेरा फिर कोनो गांव जाबो और नवा किसान वैज्ञानिक और बड़े किसान छोटे किसान जोन भी मिले उकर से हम आप मन से गोट बात कराबो। तब तक आप मन बढ़िया रहो, मस्त रहो, पेड़ पौधा लगाओ, पानी के बचत करो और यही कामना के संग अपने संगील देव विदा। जय जोहार, राम राम।